आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ DBS बैंक में आप सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करोगे बिना ब्रांच विजिट किए। सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। आपको ब्रांच में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही डीजी बैंक में, कहने का मतलब DBS बैंक में घर बैठे सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस वाला ओपन कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो के वैसे भी आपका हो जाएगा और आपको ब्रांच में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 7 डेज के अंदर आपके एड्रेस पर चेकबुक जो किट होता है पासबुक का और डेबिट कार्ड का, वो 7 डेज के अंदर आपको पोस्ट के द्वारा भिजवा दिया जाएगा। तो A to Z प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 10-12 मिनट का, बट स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है और आपका पैन कार्ड। और वीडियो KYC होने के लिए आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड और सिग्नेचर ब्लू पेन से ही व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, उसके बाद ही एक्सेप्ट करेगा। तो सब कुछ इस वीडियो में बारीकी से समझते हैं। वीडियो KYC तक का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। मैं वीडियो KYC नहीं करूंगा, बट आपको वीडियो KYC तक का प्रोसेस करूंगा। और जैसे आपका वीडियो KYC कम्प्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो किट है ब्रांच की, वो मतलब आपके जो डेबिट कार्ड है, चेकबुक है, पासबुक है, वो पोस्ट के द्वारा आपके एड्रेस पर भिजवा दी जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को पहले ध्यान से देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मैं दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट प्ले स्टोर में पहुंच जाओगे और वहां पर DBS बैंक का जो ऐप है उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। ओपन करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा। यस पर आपको क्लिक कर देना है, यस आई मीन ओके। उसके बाद फिर से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद जितनी बार अलाउ मांगेगा आपसे, उतनी बार आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। ओपन अ सेविंग अकाउंट, गेट पर्सनल लोन और ओपन एन NIR। यहाँ पर आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और ओपन इंडियन NRI ट्रेजर अकाउंट भी यहाँ पर आप ओपन कर सकते हो। अब ट्रेजर अकाउंट क्या है, इसके लिए हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले हमको सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ओपन अ सेविंग अकाउंट, इस पर हमको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। म्यूचुअल फंड, यहाँ पर आप क्या क्या इन्वेस्ट करोगे वो भी आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फुल नेम डाल देना है, मैं यहाँ पर फुल नेम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल आपको सही से डालना है। तो मैं यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूं। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। आपका मोबाइल नंबर आपको यहां पर डालना पड़ेगा, तो मैं यहां पर फटाफट मोबाइल नंबर डाल देता हूं। ईमेल एड्रेस आपको डालना है। उसके बाद रेफरल कोड आपको डालना है, अगर है तो डाल दीजिए, अन्यथा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद जो मेरा सिम है उसे मैं ऑन कर देता हूँ, ताकि OTP आ जाए मेरे इसमें, ठीक है। मैंने इसे बंद करके रखा था। उसके बाद मैं फिर से वहीं पर चला जाता हूँ। उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। मैं नेक्स्ट करूंगा, OTP आएगा, वो हमको यहाँ पर डालना है। तो कुछ सेकंड हम वेट करते हैं, जो मोबाइल नंबर हमने डाला था उसी पर एक OTP आएगा। तो कुछ सेकंड हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। इंटर वन टाइम पासवर्ड, OTP 407665। ओके, शायद मैंने गलत डाल दिया क्या, एक सेकेंड।
ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको यूजर नेम रख लेना है, आप जो भी रखना चाहते हो, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। पासवर्ड आपको सही से डालना है। सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आपको सबसे पहले आपका पैन कार्ड नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बी नेक्स्ट कर देना है। आधार नंबर डाल वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में के साथ में लिंक है। सॉरी, आधार नंबर आपको वही डालना है जो जिस आधार कार्ड के साथ में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आएगा वो हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एग्री करूंगा, ओटीपी आएगा वो हमको यहाँ पर डालना है। ओटीपी आ चुका है 5600, नेक्स्ट, वेरीफाई यूअर आधार। तो कुछ सेकंड हम वेट करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझना, बारीकी से समझा रहा हूँ, नहीं तो फिर आप बार बार कमेंट करोगे सर हमको ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा। तो वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दिस माई करेंट एड्रेस, या फिर आप दूसरा डिफरेंस एड्रेस यूज़ करते हो तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरा यही एड्रेस मैं रखना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा सर्विस गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्रोफेशनल, होममेकर, स्टूडेंट, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, नो कैटेगरीज। तो प्राइवेट सेक्टर में सेलेक्ट कर लूँगा। आप जो भी जॉब करते हो वो यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, सैलरी आपके अकाउंट में आती है, बिजनेस से पैसा आता है, या फिर सेविंग्स से, या फिर अदर से, या फिर इन हेरिटेंस से, जो भी आता है मेरा सैलरी से आता है, तो मैं सैलरी सेलेक्ट करूँगा। अप टू 1 लाख आपको सेलेक्ट करना है, आपका जितनी इनकम है उतना आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके फादर का नाम आपको यहाँ पर डालना है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मदर का नाम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर यदि आप सिंगल हो तो सिंगल, और मेरिड है तो मेरिड आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेरिड। डालोगे तो आप के जो भी हस्बैंड या वाइफ है उसका नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो या फिर बाद में, तो मैं बाद में ऐड करूँगा। डू दिस लेटर वाले ऑप्शन पर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा, एक सेकेंड, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर फॉलो करना है, आई एग्री विथ द टर्म्स एंड कंडीशन। तो हम यहाँ कुछ सेकेंड वेट करते हैं जब तक टर्म्स एंड कंडीशन हमारे सामने ओपन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मेरा नेट भी थोड़ा स्लो हो, तो आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ सेकंड वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन जैसे ओपन होता है हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को आप एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, एग्री कर देना है, एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको बोल रहा है वीडियो केवाईसी करने के लिए बोल रहा है, तो मैं वीडियो केवाईसी, यदि आप वीडियो केवाईसी करते हो तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ब्रांच में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। स्टार्ट वीडियो कॉलिंग पर आप क्लिक कर दोगे तो डायरेक्ट ये वीडियो कॉलिंग की वेबसाइट पर हमको ले जाएगा, और जहाँ पर हमारे सामने वीडियो कॉलिंग चालू हो जाएगी। तो सिंपल सा प्रोसेस था, मैं वीडियो कॉलिंग में बाद में करूंगा, ठीक है। और मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक
जरूर कर देना। और जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है तो वीडियो केवाईसी करने का भी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, यूजर नेम आपको डाल देना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो डाल के आपको लॉगिन कर लेना। उसके बाद वीडियो केवाईसी हो जाएगा। वीडियो केवाईसी होने के बाद आपको यूजर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और आपके ब्रांच का नाम आपको मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।